हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज 31 दिसंबर यानी कि 2018 का आखिरी दिन। टुमारो इज 1 जनवरी यानी कि 2019 आने वाले नए साल का पहला दिन। एंड आई होप नया साल आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आज मैं आपको सिखाने वाली हूं कि आप नया साल किसी को इंग्लिश में कैसे विश कर सकते हैं। आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इन 5 पार्ट्स, वोकैब, इनफॉर्मल वे टू विश न्यू ईयर, फॉर्मल वे टू विश न्यू ईयर, कैसे आप अपने लवर को विश करेंगे और कैसे आपको न्यू ईयर विश का रिप्लाई करना है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्ट को देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइमिंग दी हुई है, आप वहां से चेक करके डायरेक्टली उस पार्ट को देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हमारी आज की वोकैबुलरी का फर्स्ट फ्रेज है न्यू ईयर्स ईव। न्यू ईयर्स ईव, यहाँ पर जो ईव है वो इवनिंग के लिए है। आज है 31 दिसंबर, 31 दिसंबर की इवनिंग को हम कहते हैं न्यू ईयर्स ईव। यानी कि अगर आप अपने फ्रेंड से पूछना चाहते हो कि आज 31 दिसंबर की शाम का आपका क्या प्लान है, तो आप ये भी कह सकते हो व्हाट इज़ योर प्लान फॉर न्यू ईयर्स ईव। ओके, व्हाट इज़ योर प्लान फॉर न्यू ईयर्स ईव। न्यू ईयर्स डे यानी कि 1 जनवरी, बैश पार्टी, आ बिग पार्टी, बड़ी पार्टी। रेजोल्यूशन यानी कि कोई निर्णय लेना, डिटरमिंड होना किसी काम के लिए। अगर आप कहते हैं कि मैं नए साल से डेली 4-5 घंटे पढ़ाई करूंगा, यानी कि आपने क्या लिया है, ये आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन है। तो क्या है आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका मतलब होता है खुद में इम्प्रूवमेंट लाना, यानी कि खुद में बेहतर बदलाव लाना। इसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं। आई विल टर्न द लीफ एंड बी अ गुड एम्प्लॉय न्यू ईयर। मैं खुद में बदलाव लाऊंगा और नए साल में अच्छा एम्प्लॉय बनूंगा। ओके, रिंग आउट द ओल्ड यानी जाने वाले साल को खूब सेलिब्रेट करना, खूब मजे करना। तो आप अगर किसी से पूछते हो कि आप सेलिब्रेट कैसे कर रहे हो, तो आप पूछ सकते हो हाउ आर यू रिंगिंग आउट द ओल्ड, यानी कि आप जाने वाले साल को कैसे इंजॉय कर रहे हो। रिंग इन द न्यू ईयर यानी कि रिंग आउट द ओल्ड का बिल्कुल उल्टा हो गया, यानी कि नए साल को खूब इंजॉय करना। ओके, ओल्ड लैंग साइन, इसका मतलब होता है गुड ओल्ड डेज और पास्ट टाइम, यानी कि आपके बीते हुए अच्छे दिन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स रिमेंबर ओल्ड लैंग साइन ऑफ 2018, चलो 2018 के बीते हुए अच्छे दिनों को याद करते हैं। ओल्ड लैंग साइन से एक सॉन्ग भी है जिसको कुछ कंट्रीज में आधी रात को 12 बजे न्यू ईयर शुरू होने पर बजाया जाता है। अगर आप अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड को न्यू ईयर विश करना चाहते हैं, यानी कि जहां आपको फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, वहां आप इनमें से किसी भी एक तरीके से उन्हें विश कर सकते हैं। हैव अ ब्यूटीफुल ईयर अहेड, हैप्पी न्यू ईयर, आपका आने वाला साल बहुत खूबसूरत हो, नव वर्ष की बधाइयाँ। हैव अ न्यू ईयर फिल्ड विद हैप्पीनेस, आने वाला साल खुशियों से भरा हो, हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की बधाइयाँ। हैव अ पीसफुल ईयर अहेड, हैप्पी न्यू ईयर, आने वाला साल शांतिपूर्वक हो, नव वर्ष की बधाइयाँ। हैव अ वंडरफुल न्यू ईयर, आपका नया साल अद्भुत हो। हैव अ फैंटेस्टिक ईयर, हैव अ फैबुलस ईयर, यानी कि आपका नया साल बहुत अच्छा हो, हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बधाइयाँ। हैव अ प्रोस्परस न्यू ईयर, आपका नया साल बेहद सफल हो। मे कमिंग ईयर बी फिल्ड विद लाफ्टर एंड हैप्पीनेस, भगवान करे आपका आने वाला साल हंसी और खुशियों से भरा रहे। आप इस विश को आज ही बोल सकते हैं, कल नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं कमिंग ईयर यानी कि आने वाले साल की। मे दिस ईयर बी सो हैप्पी दैट स्माइल नेवर फेड्स अवे फ्रॉम योर फेस, भगवान करे यह साल इतना खुशियों वाला हो कि आपके चेहरे से मुस्कुराहट दूर ना हो। और इस वाले विश को हम कल कह सकते हैं। ओके, विशिंग यू एन अमेजिंग न्यू ईयर अहेड, आपको आने वाले एक अद्भुत नए साल की शुभकामनाएं।
आई एम श्योर दिस ईयर फिल्ड विद हैप्पीनेस इन योर फैमिली, मुझे भरोसा है कि यह साल आपके परिवार के लिए खुशियों भरा हो। मे योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू इन द ईयर अहेड, आने वाले साल में आपके सभी सपने सच हो। यहाँ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, दिस ईयर और कमिंग ईयर, दिस ईयर यानी कि इस साल, कमिंग ईयर यानी कि आने वाला साल, ओके। अब हम बात करते हैं, अगर हम किसी अपने बड़े या बॉस को, सीनियर को विश कर रहे हैं तो वहाँ हमें फॉर्मल होना पड़ता है, तो फॉर्मली आप किसी को कैसे विश करेंगे? फॉर्मली किसी को विश करने के लिए आप बोलेंगे आई विश यू या फिर वी विश यू। यहाँ पे जो डैश डैश है वहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस लिख सकते हैं, आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, ओके। आई विश यू अ स्मैशिंग न्यू ईयर फिल्ड विद लाफ्टर, मैं आपको कमाल के नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ जो खुशियों से भरा हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर न्यू ईयर, ये हमें सबको ही पता है क्योंकि ये बहुत कॉमन है। आई विश यू द बिगेस्ट स्लाइस ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके हिस्से में सबसे ज़्यादा खुशियाँ और कामयाबी आए। मे यू गेट विक्ट्री जस्ट लाइक द ईयर्स बिफोर, भगवान करे आपको कामयाबी मिले जैसे कि आपने बीते हुए सालों में हासिल की है। Looking forward to yet another year to work with a person like you. आने वाले साल में मैं आप जैसे व्यक्ति के साथ काम करने में उत्सुक हूँ। Happy New Year, नव वर्ष की बधाइयाँ। अब बात आती है बड़े बुजुर्गों की कि इन्हें न्यू ईयर विश कैसे करें। हम सबकी एक ही कामना होती है कि इनका स्वास्थ्य सही रहे। कुछ इस तरह से हम इन्हें न्यू ईयर विश कर सकते हैं। We wish you this year you stay in a good health. हम सबकी शुभकामनाएं हैं इस साल आप स्वस्थ रहें। We wish you this year you stay happy and in the pink health throughout. हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि आप खुश और स्वस्थ रहें। यहाँ पे in the pink health का मतलब है स्वस्थ रहना, ये एक फ्रेज है। We all wish you give us guidance always. हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि आप हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहें। नए साल की शुभकामनाएं हो और आप अपने हम सफर को भूल जाए, ये हो ही नहीं सकता, तो आप कैसे अपने लव को विश करेंगे? In the coming year या फिर in this year, I will try to give you all the joy your heart can hold. मैं आपको हर वह खुशी देने की कोशिश करूंगा जो आपके दिल में समा सकती है। द ईयर्स हैव पास्ड विद यू वर अमेजिंग यट एंड इन द कमिंग ईयर आई ऑल्सो वॉन्ट योर लव एंड केयर। अभी तक तुम आपके साथ बीते साल अद्भुत थे, आने वाले साल में भी मैं आपका प्यार और देखभाल चाहता हूँ। इन द कमिंग ईयर आई विल फिल योर लाइफ विद लव एंड किसेस। अब ये तो हो गई विशेस कैसे करते हैं, अब हम इसका रिप्लाई कैसे करेंगे अगर हमें कोई विश करता है, तो ये भी सीख लेते हैं। थैंक यू एंड सेम टू यू, धन्यवाद और आपको भी शुभकामनाएं, यानी कि जो उन्होंने कहा है आप वापस उन्हीं को वो ही विश कर रहे हैं, ओके। थैंक यू फॉर द वॉर्म विशेस, विशिंग यू द सेम। इन दिल से दी गई कामनाओं के लिए धन्यवाद, आपको भी शुभकामनाएं। थैंक यू टू यू टू, सी यू इन द न्यू ईयर, आपको भी शुभकामनाएं, नए साल में मिलते हैं, ओके। मैं भी आपसे मिलती हूँ नए साल में नई वीडियो के साथ। देखो, अपने घर और अपनी भाषा की तो बात ही अलग होती है। जो नया साल हम कल सेलिब्रेट करेंगे वो अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न कैलेंडर है। हमारा नया साल आता है चैत्र मास की प्रथम तिथि को। आपने और आपके परिवार ने मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नव वर्ष की बहुत सारी बधाइयाँ। ये हमारी भाषा है, हम इसे घर बोलने में यूज़ करते हैं। आप भी अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को अपनी लैंग्वेज में विश करिए, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अपनी भाषा का सम्मान करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय।